तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम और वेलकम करता हूँ आप सभी को मेरा एक न्यू ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं राजनगर स्टेशन, मेरा भैया जो आ रहे हैं उनसे थोड़ा मिल लेते हैं। यार ये रास्ता बहुत ही देर हो गई है, मैं बहुत पीछे हूँ। मेरा जो दोस्त है वो काफ़ी आगे निकल गए हैं, कॉल कर रहे हैं और ट्रेन का भी टाइमिंग हो चुका है, तो थोड़ा कोशिश जारी रहेगी कि जल्दी से वहाँ मैं पहुँच जाऊँ। यार जब भी आप देखें दोनों तरफ घर है तो प्लीज़ अपना गाड़ी स्लो करें, क्योंकि ऐसे में एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ही रहता है कि वो कब कहाँ से निकल जाए। बाप रे यार, डस्ट देखो, डस्ट। अब इधर तो टाइम लगने वाला है यार। ये सिंगल वे में बहुत ही दिक्कत होता है, क्योंकि देखिए आगे से डंपर जा रहा है, पीछे कार, और अगर हम साइड से ओवरटेक करते हैं बिना हॉर्न दबाए तो आगे से कोई भी आएगा तो एक्सीडेंट होने का चांस है। तो इसे ऐसे में क्या करें, स्लो करके आराम से गाड़ी पार करें, जैसे आगे जो आने वाला उसको भी पता चल जाए कि हाँ आगे से गाड़ी आ रहा है। थैंक यू दोस्त। तो हम पहुंच गए 70% और यहां से जाएंगे हम राइट टर्न लेंगे और यहां से चलते हैं पूरे सीधा। यहां से लेफ्ट चलते यार, काफी लेट हो गया और वहाँ पे लेकर गाड़ी जाने की चला नहीं सकते, क्योंकि सब सुबह से आ जाएगा, पता नहीं चलेगा। लेकर देखे चलते हैं 40 की रफ्तार में। तो इधर बहुत दिन के बाद आ रहे थे, थोड़ा कंफ्यूजेंस हो रही है। यहाँ से राइट चलते हैं, ये कोहरी है। विकास उधर से चलना यार, आगे वाला ये बोगी में पूछा। तो हम लोग इधर एक पहाड़ टाइप का है, इसके ऊपर से जाते हैं। भाई थोड़ा गाड़ी देखते रहना ना। भाई चढ़ना पड़ेगा पहाड़। ये किधर से ले रहा है यार, मेरे हिसाब से इसी पाएगा ना, उधर नहीं भेजेगा, एक उधर से रिटर्निंग वाला लेगा। साउथ बिहार किसके आता है? साउथ बिहार कहाँ जाएगा?
तो अभी माल गाड़ी आ रही है और ये माल गाड़ी जो है वो जाने इसके जाने के बाद आएगी हमारी साउथ बिहार, जिसमें आ रहे हैं मिस्टर एंड मिस्टर राहुल ठाकुर मेरे बड़े भैया। फोन कर रहे हैं यार, मेरे को कॉल कर रहे हैं। फोन कर विकास, फोन कर, फोन कर, फोन कर। कहाँ पे है, कहाँ पे वो विकास बता रहा, मेरे को फिर कॉल कर कर रहे हैं क्या ठाकुर। तो तीन बोगी बोला, ये लेके चले। इज बैक, क्या हो गया? झोला ले रहे, अरे अरे रहने का। बिलासपुर रेड सिग्नल दिखा दूंगा यहाँ पे, फोन करिए भेजिए। बाय बाय, कॉल करिए। तो भैया जा रहे थे बिलासपुर, उनका कुछ एग्ज़ाम था, तो इधर इस ब्रजराज नगर से जाती है, तो हम लोग सोचे थोड़ा मिल लें। ये तो हमारा शॉर्टकट रास्ता है, ब्रेक कृपया अपना ब्रेक पे कंट्रोल। तो हम लोग यह सब मिल लिया और अब जाते हैं घर। बहुत जोर भूख लगी है, तो पहले कुछ खा लेते हैं, खाने के बाद हम लोग जाएंगे। तो जाएंगे भी कहाँ, मैं जो विकास है उसका दोस्त इधर ही रहता है, तो बुलाया, बोला भाई थोड़ा मिल लेते हैं, तो उससे पहले मिलेंगे, उसके बाद हम लोग आराम से घूमते और खाते हुए जाएंगे घर। ले लिए क्या, लिए जो मेरे को क्या दे रहे, चलो किधर खाओगे। चुके और अब चलते हैं इसके दोस्त के घर। यार ये जा रहा है, इसको भी रास्ता पता नहीं है, कॉल करके बात कर रहा है और इधर उधर भटक रहा है हमको। भाई फाइनली इतना भटकने के बाद उसका विकास का दोस्त का घर मिला और उससे थोड़ा सा बात करेंगे और बहुत जल्दी निकलेंगे, क्योंकि हमको बहुत जल्दी घर जाना है और जाके खेलना भी है मेरे भाई। ये देखो हम लोग को भूख लगा था, तो हम लोग कहीं रुके नहीं और लेट भी हो रहा था, तो बाइक चलाते चलाते खाए और घूमते घूमते आए। मौसम भी देखिए और यहाँ का नज़ारा देखिए, काफ़ी बढ़िया है, बहुत अच्छा सीन है। दोनों तरफ जंगल गज और सामने आकाश, पूरा नीला आकाश, बहुत बढ़िया दिख रहा है। ये जो पीछे बैठे हुए हैं ये पप्पू भाई हैं, ये बोले बुंदिया की तरफ से चलते हैं, इधर से बहुत जल्दी घर पहुंचेंगे। ये रास्ता देखे हुए थे, ना मेरे को पता था ये रास्ता ना विकास को, तो बोले चलो मैं दिखाऊं, इधर से हम लोग जाएंगे, बहुत जल्दी ही पहुंचेंगे। तो हम लोग इनको फॉलो करते हुए आगे, यार ये कौन कौन सा गाँव गली के अंदर घुसा के अंदर अंदर गली कौन कौन सा है, उधर से लेके आ जा रहे हैं। बोल रहे मैं इधर हर दिन आता हूँ और बोल रहे चलो जल्दी इधर से चलो उधर से चलो। कंफ्यूज हो जा रहा था विकास बेचारा, बाइक चला रहा था वो कंफ्यूज हो जा रहा था। ये दुर्गा पूजा के लिए पंडाल बनाया जा रहा है, तो फाइनली हम एक अच्छा रास्ता पे आए और यहाँ से आराम से जाते हैं वीडियो बनाते हुए। और ऊपर बादल देखे कितना मस्त दिख रहा है, ये सूरज का रोशनी जो है उसके वजह से जो वो लाइन टाइप का हो रहा है वो अच्छा दिख रहा है। तो ये क्या कौन कौन सा रास्ता से किधर किधर घुमा के लाया पता नहीं चला। और ये देखिए हमारा चलता फिरता काला हीरा,
तो आप लोग अगर मेरा पहला वाला बनबहाल वाला वीडियो देखे होंगे तो जान गए होंगे कि कौन सा रास्ता से हम लोग निकले। तो वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।